छोड़ा गया, वो खाना खाने के लिए खाना खा के हाथ धोने गया और उसी समय वो इष्टे तार से अटैच हो गया, छुआ गया उसे और वो संपर्क में आ गया और लगा जलने। तुरंत हम लोग यही गुरु जी छोड़ाए हैं किसी तरह डंडा से। इसके बाद हम लोग तुरंत गाड़ी करके वहाँ भेजे, दूधी से वहाँ रावतसगंज, वहाँ से रेफर किया गया बनारस वाराणसी के लिए, वहाँ से कभी चौरा फिर बीएचयू में रेफर किया गया। उसके लिए हम लोग अध्यापक सभी सुगमकर्ता अध्यापक पर हम डाले, सभी अध्यापक लोग मिल करके कम से कम 1.5 लाख रुपया हम की धनराशि हम लोग उसके इलाज के लिए हम लोग जमा किए। विभाग को और बिजली विभाग वालों को कई बार सूचना दिया लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे बच्चों के लिए खतरा का बार बार बना हुआ है। पढ़ने गया था, अभी लंच हुआ तो स्कूल के अंदर में ट्रांसफार्मर था, ईस्टे वाला तार से मैंने चला।